नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले मैंने दो सेशन अपलोड किए हैं, बहुत सारे दोस्तों ने इसे देखा और सराहा, उन सभी को तहदिल से धन्यवाद। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्नों को कवर करते हैं और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसे भी कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कुल मिलाकर आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे सेशन हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बैंकिंग क्षेत्र के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मातम वेंकट राव को हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया MD CEO नियुक्त किया गया है। अब डेफिनेटली यहाँ प्रश्न बनेगा कि मातम वेंकट राव इसके पहले कहाँ थे। इसके पहले वो कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ये किनकी जगह लेंगे? ये पल्लव महापात्रा की जगह लेंगे, यानी मातम वेंकट राव अब क्या बनेंगे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बनेंगे। इसके पहले इसके MD CEO कौन थे? तो इसके पहले पल्लव महापात्रा इसके MD CEO थे। अब बात आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके नए MD CEO बने हैं मातम वेंकट राव और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 21 दिसंबर 1911 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका टैगलाइन पूछा जाता है, इसका टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, चूंकि 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और हाल ही में इसके द्वारा सेंट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए कि वर्तमान में भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है? तो वर्तमान में भारत में कुल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। ध्यान रखिए, मर्जिंग के पश्चात, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2020 के बाद जो है वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकिंग की संख्या कितनी है, तो कुल 12 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न से ये तो क्लियर हो जाता है कि मातम वेंकट राव जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO बने। अब मुझे फटाफट बताइए, आपको रिवाइज करवा दूं कि यहाँ ऑप्शन में तीन नाम और है, विश्ववीर आहूजा, जेके सिवान और सिद्धार्थ महंती, ये तीनों कौन है? बहुत चर्चे में है, तो आपको बता दूं विश्ववीर आहूजा हाल ही में RBL बैंक के MD CEO बने हैं, जेके सिवन धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO बने हैं और सिद्धार्थ मोहंती LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो बहुत बहुत बार पूछ लिया गया दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की बात की जा रही है, इसके महासचिव कौन है? ये सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, इसके महासचिव के बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है। वर्तमान में इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसके देशों की संख्या कितनी है? 193। ध्यान रखिए, इसके अलावा इसमें आधिकारिक भाषाएं कितनी है? इसकी कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रशियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, ये मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बहुत बार पूछा जाता है ये, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। ध्यान रखिए, फीमर जो होती है ये जांघ की हड्डी को कहते हैं, जैसे ऑप्शन देख पा रहे ये है फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी से कहते हैं या थाईबोन भी कहा जाता है। ये सबसे लंबी होती है, लगभग 19 इंच लंबी होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो क्या होगा? इसका नाम होता है स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी होती है, इसका नाम होता है फीमर, जो कि जांग में पाया जाता है। चलिए फटाफट एक अवार्ड से प्रश्न कर लेते हैं कि हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तानाजी को। ध्यान रखिए, और हाल ही में ये अवार्ड दिया गया और इसमें 2021 में जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अक्षय कुमार को उसके फिल्म लक्ष्मी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कियारा आडवाणी को। तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कियारा आडवाणी को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ओनली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कियारा आडवाणी को, बट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किसको? दीपिका पादुकोण को। अच्छा, फटाफट बताइए कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अनुराग बासु को। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? फटाफट बताइए, तो पैरासाइट फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सही उत्तर है, हाल ही में जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ये अमित शाह के बेटे हैं,
ध्यान रखिए, और यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। ध्यान रखिए, जैसा अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद जो है एक क्रिकेट संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। इसकी स्थापना 13 सितंबर 1983 को हुई थी और वर्तमान में इसमें 25 देश शामिल है। अब जैसा तो बन गए एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, ऑप्शन में 3 नाम और है और आपका रिवीजन की बारी आ गई है। फटाफट कमेंट कीजिए, संजीव बनर्जी कौन है, अरूप कुमार गोस्वामी कौन है और जेकी महेश्वरी कौन है। तो आपको बता दूं कि संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जेके माहेश्वरी सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। देखिए, रिवॉल्यूशन से प्रश्न बनते हैं तो ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ग्रे रिवॉल्यूशन। कई और रिवॉल्यूशन के बारे में प्रश्न बनता था, एक बार रिवाइज करवा दूं दोस्तों आपको, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, हरित क्रांति, तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। येलो रिवॉल्यूशन पीली क्रांति, खाद्य तेल और तिलहन फसलों से संबंधित है। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी रेवोल्यूशन पिंक रेवोल्यूशन, ये प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। काले रेवोल्यूशन ब्लैक रेवोल्यूशन, ये पेट्रोलियम और खनिज तेल से संबंधित है, इसमें कोयला भी है ध्यान रखिए। और सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा उत्पादन से संबंधित है और गोल्डन रेवोल्यूशन बागवानी से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, कमेंट कीजिए फटाफट मुझे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहां स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क, तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क हाल ही में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। अच्छा, यहां उत्तर भारत क्यों इंक्लूड किया गया, अगर पूछा है भारत का पहला डॉग पार्क कहां बनाया गया, तो उत्तर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क बनाया गया था और हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में बनाया गया। कुत्तों के लिए इसमें खास व्यवस्था की गई है, यहाँ डॉक्टर की सुविधा है, जिम है, ट्रेनर है, सारी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की गई है इस डॉग पार्क में। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को जोड़ा गया है ध्यान रखिए, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहाँ की ट्रेडिंग होती है आपको पता है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1992 को। अच्छा, अगर पूछा जाए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1875 में। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष बताऊं, उससे पहले आपको नीति आयोग का सीईओ बताना है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। इसको पहले क्या नाम था इसका, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसके द्वारा गठित किया गया था। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यानी श्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है। इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है, राजीव कुमार, और इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। अब मुझे फटाफट बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है। तो रिसेंटली दिनेश कुमार खरे जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। इसके अलावा बताओ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था 1 जुलाई 1955 यानी 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा स्टेट बैंक में क्या होता है कि एक चेयरपर्सन होते हैं और उसके नीचे होते हैं क्या, 4 MD होते हैं। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि स्टेट बैंक में ही ऐसा होता है, बाकी किसी बैंक में नहीं होता। बाकी बैंक में आप देखिएगा कि MD और CEO एक साथ होते हैं, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन होते हैं और बाकी इसके नीचे 4 MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो इसके चेयरपर्सन तो हो गए दिनेश कुमार खरे जी, और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है, CS सेट्टी यानी चुल्लू श्रीनिवासन सेट्टी जी हैं, अश्विनी भाटिया जी हैं, इसके अलावा स्वामीनाथन जी हैं और अश्विनी कुमार तिवारी जी हैं। तो ये 4 यहाँ इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एक चेयरपर्सन है जिसका नाम है दिनेश कुमार खरा। अच्छा, रिसेंटली जो RBI का एग्जाम हुआ
रेलवे का जो एग्जाम हुआ उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया गया कि जो एसबीआई बना था वो कितने बैंकों की मर्जिंग के बाद बना था। तो शुरुआत में 5 बैंकों की मर्जिंग के बाद एसबीआई को बनाया गया था, ध्यान रखिए। इसके अलावा ये भी पूछ लिया गया कि शुरुआत में एसबीआई का नाम क्या था। तो शुरुआत में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और 1955 में बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब जैसे मैंने कहा कि किस किस बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास शामिल थे। इन तीनों को बाद में मर्ज कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया और बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में क्या क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइन किसने तैयार किया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी वास्तुकार कौन थे। तो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे जॉर्ज विटेट, ध्यान रखिए। गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला कब रखी गई थी, 1913 में, और इसे ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट के द्वारा डिजाइन किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिए। इसे ब्रिटिश जो साम्राज्य में जो राजा थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि 2021 में हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सुनीत शर्मा, राजीव चौधरी, दिनेश शर्मा या विनोद कुमार यादव, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है। मैं आशा करूंगा कि हर एक व्यूअर इसका उत्तर कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूँ तो आपका सपोर्ट जरूरत है, मुझे जरूर लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत जरूरत है। आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।